या हाय गाइस सो माई सेल्फ उदित सो बेसिकली आज से हम लोग नंबर सिस्टम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो नंबर सिस्टम जो मैं आपको कराने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको कराने वाला हूँ इस पूरी प्ले लिस्ट में आप लोगों को नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं जितने भी हमारे uh, कैट और अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं ठीक है उन सभी के लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ठीक है दूसरा पॉइंट मेरा ये है बच्चे आ, ये सेशंस इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ठीक है थीके? अगर आप लोग कैट को टारगेट कर रहे हो जैट आई एफ टी स्नैप एंड मेट टिस् सीमेंट सीई इवन आप इफ यू आर गैटो टारगेटिंग कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम्स ठीक है जो हमारे अदर अदर कंपनीज के कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम होते हैं उनके लिए भी और जितने हमारे सारे के सारे एप्टीट्यूड एग्जाम्स हैं ठीक है थीके? क्योंकि यार कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहते हैं हमारे ठीक है अब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट तो है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट तो यूनिट डिजिट का रहेगा ना यार डिविजिबिलिटी रूल्स है तो वो सेवन का ही अपने इस प्ले लिस्ट में आपको के सारे उनके जो परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं वो सारे कवर कराने वाला हूँ ठीक है तो जो बच्चे भी बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे ठीक है सो डू शेयर द लिंक ऑफ दिस के लिंक को मैक्सिमम आप शेयर करिए और जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल MBA पार्ट शाला सब्सक्राइब नहीं वो MBA पार्ट शाला को सब्सक्राइब करो ठीक है और एमबीए पाठशाला वो भी आ, आप लोग ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारी पीडीएफ वगैरह में वहीं पर शेयर करता हूँ ठीक है बच्चे तो शुरू करते हैं जरा ठीक है देखो बच्चे नंबर सिस्टम एक हमारा ऐसा टॉपिक है जिसको मैं बताऊं तो ये कोई भी हमारा एग्जाम हो ठीक है क्योंकि बिना नंबर्स के तो ये था तो ना हम मैथ्स को मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते अगर हमारे पास नंबर्स ही नहीं है तो हम मैथ्स को कैसे इमेजिन करेंगे तो नंबर सिस्टम में अपन लोगों को क्या करना है अपने सारे टाइप्स के नंबर्स कवर करना है कितने तरह के नंबर्स होते हैं ठीक है थीके? फिर उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होती हैं ठीक है प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं वो अपन लोगों को कवर करना है ठीक है तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैट जैसे एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ही अच्छा खासा है ठीक है मतलब नंबर सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके हर टॉपिक में यूज होंगे भले वो हम टाइमिस पर डिस्टेंस पढ़ रहे हो हम रेशियो प्रपोशन पढ़ रहे हो हम कल को अल्जेब्रा भी पढ़ेंगे इवन ज्योमेट्री मैं आपके नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं ठीक है तो आप ये मान सकते हो कि मतलब नंबर सिस्टम तो मतलब हर जगह फैला हुआ है ठीक है जैसे बहुत ही बड़ा ये हमारा टॉपिक है इसमें कॉन्सेप्ट सारे मैं आपको कवर कराने वाला हूँ ठीक है जैसे मैं आपको बता दूं मैं आपको उसमें क्या क्या कवर कराऊंगा मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ ठीक है जैसे नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है नंबर ट्री सबसे पहले मैं आपको नंबर ट्री बताऊंगा नंबर ट्री और उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं दूसरा मैं आपको फिर इसके बाद कराऊंगा फैक्टर्स फैक्टर्स मैं आपको कराऊंगा ठीक है उसके बाद मैं आपको इंडेक्स ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ठीक है फैक्टोरियल और आईजीपी कराऊंगा फैक्टोरियल और मैं इसके बाद आपको आईजीपी ठीक है एंड मतलब इन्हीं को कराने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको एलसीएम कराऊंगा बच्चे ठीक है एलसीएम एचेप क्या होता है ठीक है एंड uh, उसके बाद में आप लोगों को यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कराऊंगा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है यूनिट डिजिट के बाद में आपको कराऊंगा लास्ट टू डिजिट का कॉन्सेप्ट हमारे पास लास्ट टू डिजिट का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है ठीक है फिर मैं इसके बाद आपको रिमाइंडर थ्योरम कराऊंगा ठीक है इसके बाद में आपको कराऊंगा हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है रिमाइंडर्स कैसे निकालते हैं पूरा रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आई विल टेल यू दे uh, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ थ्योरम्स भी कराऊंगा जो रिमाइंडर से रिलेटेड है सो दीज आर सम टॉपिक्स जो मैं अपनी इस सीरीज में आपको कवर कराने वाला हूं ठीक है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको सारी चीजें डिटेल में कवर करनी है ठीक है तो बच्चे स्टार्ट uh, करते हैं सबसे पहले uh, मैंने आपको बोला था नंबर ट्री तो आप लोग हेडिंग लगा लेना नंबर ट्री ठीक है आप लोग हेडिंग लगा लेना नंबर ट्री अब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं अगर आप लोगों ने बचपन से देखा हो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं जैसे मैं नंबर्स की बात करूं हमारे पास मतलब बेसिकली हमें क्या दिखता है कि यार इवन नंबर भी होते हैं है ना ना ऑड नंबर्स भी होते हैं है प्राइम नंबर्स भी होते हैं है ना कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं कॉम्प्लेक्स हो नहीं पड़ा कॉम्पोजिट नंबर भी होता है ठीक है तो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ नंबर्स अभी और भी नंबर्स हैं ठीक है रैशनल नंबर होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ नंबर्स ठीक है so numbers, तो ये सारे के सारे एक नंबर ट्री के थ्रू समझने में हमें बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है

टाइप्स ऑफ इेशनल नंबर ये किसका टाइप है इेशनल नंबर का टाइप है फिर इंटीजर्स हमारे और दो पार्ट्स में डिवाइड हो, हो जाते हैं हमारे ठीक है फ्रैक्शंस भी अपन लोग आती हैं फिर नेचुरल नंबर आता है हमारे पास और फिर क्या आता है जीरो बेसिकली दिस इज अंबर ट्री ठीक है ये हमारे पास क्या है नंबर ट्री है ठीक है जिस रेडेड हमारे पास क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं ठीक है तो पहले तो आप नंबर थ्री को एज इट इज अपनी कॉपी में बना लेना ठीक है ताकि आप लोग कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसको कॉल आ रहा है चल बच्चे ठीक है शुरू करते हैं ठीक है चलो सबसे पहले रियल नंबर की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी कि रियल नंबर क्या होता है रियल नंबर आर दोज नंबर नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन लाइन और कॉल्ड रियल उनको हम क्या बोलते हैं रियल नंबर ठीक है, बोलते है फिर हमारे पास रेशल नंबर अब सबसे पहले मैं आपको रेशन नंबर बताऊंगा कि रेशल नंबर क्या होते हैं ठीक है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रेशन नंबर कि हमारे पास रेशनल नंबर क्या होता है ठीक है रेशन नंबर बच्चे रेशनल नंबर आर दोज नंबर ठीक है विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू ठीक है जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जिनको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हमारे पास क्या होंगे रेशनल नंबर होंगे ठीक है मतलब जैसे सेवन बाई फाइव फॉर एग्जाम्पल सेवन बाय फाइव एक रेशनल नंबर है टू बाय सेवन एक रेशन नंबर फोर बाय थ्री एक रेशन नंबर है ठीक है नाइन बाई एट एक रेशनल नंबर है ठीक है सो दीज ऑल दीज आर रेशनल सारे के सारे क्या है रेशनल ठीक है अच्छा रेशन नंबर ऐसा क्या है मतलब क्यों मैं इनको रेशन नंबर बोल रहा हूं मतलब अगर लॉजिकली सोचा जाए बाई दीज नंबर नंबर इट्स ऑल अबाउट देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ठीक है ये सब कुछ इनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे बात करती है आप बोलोगे कैसे? बच्चे कुछ नंबर हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है देखो नंबर को उसने कितनी कैटेगरी में किया था। अगर आप देख, देख पा रहे हो सबसे पहला आता है इंटीजर्स अब इंटीजर्स क्या होता है जैसे माइनस टू माइनस थ्री वन फोर ऑल दीज आर इंटीजर्स ये सारे के सारे क्या है एंटीजर्स फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स

7 को फाइव से डिवाइड कर रहे हो तो फाइव कितना होता, 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 होता so चाह रहा हूं बाई फाइव का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो वन पॉइंट फोर है इसको हम बोल, लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब हो गया फोर से आगे तो नहीं जा पा रहा ना तो इसको हम क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल ये किसका टाइप है टर्मी टर्मी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो हमारा नेक्स्ट था अगर आप देख पा रहे हो तो रिपीटिंग जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रिपीट हो रहा हो बार बार ठीक है तो रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ रिपीटिंग डेसिमल का एक एग्जांपल है अगर आप लोग टेन को

ये चलता चला जा रहा है तो दिस इज अ टाइप ऑफ रिपीटिंग डेसिमल दिस इज अ टाइप ऑफ रिपीटिंग डेसिमल ठीक है ये टर्मिनेटिंग का एग्जांपल था by अगर जब हम लोगों ने को 5 से डिवाइड किया तो हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है 1.4 उसके बाद कुछ नहीं आया बट जब मैं टेन को थ्री से डिवाइड कर रहा था तो थ्री पॉइंट थ्री 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 आता जा रहा था वो किस चीज का टाइप है हमारा रिपीटिंग डेसिमल का टाइप है ठीक है तो ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर होगी होंगी कि वॉट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स And what is repeating decimals. I hope ये समझ में में आ रहा होगा आप लोगों। ठीक है, है। बच्चे नंबर को p फॉर्म कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मैं आपको for example, यहाँ पर 0.3 लिखा हुआ है। ये चार चार एरो आ रहे हैं यहां से ठीक है ध्यान से देखना इन चारों एरो ये सब की के है। की के है। सारे के सारे इंटीजर्स हुए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हुए रिपीटिंग डेसिमल्स हुए

कुछ बच्चे बोलते हैं सर फोर तो पी बायू की फॉर्म में नहीं है बच्चे है आप फोर को फोर बाय वन लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम होता, होता है उसको लिखो या ना लिखो बात एक ही है ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हंड्रेड को हंड्रेड बाई वन बोल सकता हूं सो फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू फॉर्म ऑफ P बाय क्यू तो हमारे वही नंबर होते हैं जिनको हम पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं बट वहां पर क्यू जीरो yes. समझ में आने लग रही होगी कि हाँ यार व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स व्हाट इज रिपीटिंग डेसिमल्स व्हाट आर रैशनल नंबर्स आई होप रैशनल नंबर को लेके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं अब आप खुद घर बैठ के रेशन नंबर कर सकते हो कैसे जरा मैं सोचा करो घर बैठ के बता चीजें सोचने से बहुत अच्छी तरह समझ में आती है एक पूरा एनवायरमेंट जब ऐसा बन जाता है ना ठीक है कि मैं रेशन नंबर के बारे में सोच रहा हूँ यार हंड्रेड बाई ट्वेंटी नंबर होगा क्या देख के हूं। 25, क्या नंबर है यार इसको रिड्यूस करना दिस इज फोर बाय हाँ यार रेशन नंबर है ये तो ठीक है अब मतलब हम लोगों ने इतना रैशनल रैशनल पढ़ लिया अब इरेशनल को पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी ठीक है इरेशनल को पढ़ना हमारे लिए थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा कि वॉट आर इरेशनल नंबर ठीक है चलो देखते हैं <coughs> जैसे रैशनल नंबर्स को लेके तो हमें क्लैरिटी हो गई थोड़ा कि वो नंबर जिनको हम पी बाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं रैशनल नंबर्स बोलते हैं फिर रैशनल के हमारे बहुत सारे टाइप्स थे इंटीजर्स आर द मेंबर ऑफ रैशनल नंबर फैमिली

जिन नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोले तो खत्म ही नहीं हो रहा है चलता चला जा रहा है डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ आता चला जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जिन नंबर्स का जिस फ्रैक्शन का बोलोगे बल्कि ठीक है जिस फ्रैक्शन का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है जिस फ्रैक्शन का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है उन फ्रैक्शन को जो भी नंबर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं इेशनल नंबर बोलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं इरेशनल इेशनल आई होप आपको रैशनल और इरेशनल के लिए थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही होगी कि वॉट आर रैशनल नंबर एंड वॉट आर इेशनल ठीक है तो बच्चे जैसे एक बार मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल और देना चाहूंगा आप लोगों को ठीक है मतलब अगर आप कभी अगर आप कभी जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ठीक है पाई ठीक है वॉट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई वॉट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई ठीक है मतलब अगर आप पाई को सोल्व करने चले गए ठीक है अगर आप पाई को सोल्व करने जाओगे तो ये आएगा थ्री पॉइंट सेवन ये चलता चला जाएगा ये रुकता नहीं है कभी भी ये रुकता नहीं है कभी भी ठीक है ये चलता चला जा रहा है तो इसका जो वैल्यू आ रहा है अब मतलब पाई कुछ तो ऐसा फ्रैक्शन रहा होगा ना यहां पर पाई एक ऐसा फ्रैक्शन रहा होगा यहां पर जिसको सोल्व करने पर यह वैल्यू आ रहा है ठीक है मतलब ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग तो जो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है ना बच्चे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है ठीक है ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर है बच्चे को कंफ्यूजन पता कब होता है जब बात बोली जाती है क्योंकि हम लोगों को बचपन से ट्रेन किया गया है ट्वेंटी टू बाई सेवन तो क्लियरली है ना भाई ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में क्लियर है ये तो सीधा सीधा पी लिखा हुआ है 22 टू 7 इज अ रैशनल नंबर 22 टू 7 क्या है एक रैशनल नंबर क्या है एक नंबर है है ठीक बट जब बात पाई की की जाती है पाई पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये है ठीक है अगर आप कल को 22 टू बावन को डिवाइड करने चले गए तो आप देखोगे कि, कि हाँ यार ये तो नंबर क्लियर भी है ट्वेंटी फ्रैक्शन में लिखा गया है ठीक है तो इतनी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए तो इेशन नंबर के मतलब एग्जाम्पल क्या होगा ठीक है जैसे पाई की एक्चुअल वैल्यू ये है दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो पाई कैसा हुआ एक इेशन नंबर हुआ पाई एक है एक रेशनल ज द वैल्यू ऑफ पाई मतलब दिस इज नॉ एक्चुअल वैल्यू ऑफ ये हमारे करने के लिए हमें दे दिया जाओ तु जा तुम ट्वेंटी बट एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाईज थ्री पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन क्योंकि जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसके अप्रोक्स आता है लगभग लगभग ये ठीक है बट दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाए ठीक है That's why pi is an irrational number. That's why क्या है? की में लिख देगा, तो फिर तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही उल्टा हो जाएगा रेशनल नंबर तो वो नंबर होते थे, थे जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं अरे भाई ट्वेंटी टू बाई सेवन तो पी बाय क्यू फॉर्म ही है ना तो ये रेशनल है बट दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई हमें ऐसे क्लियर करनी चाहिए अपनी बातें अगर कोई हमसे पूछता है कभी ठीक है जैसे बच्चे इसने एक भी दिया है है यहां पर चलता चला जा रहा है। हमें नहीं पता कब रुका कब रिपीट हुआ कुछ पता ही नहीं है इसका ना तो रुक रहा है ना रिपीट हो रहा है तो जो जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और इस कैटेगरी के सारे जो नंबर हैं वो कौन सी फैमिली में रहते हैं की फैमिली में रहते हैं ठीक है वो कौन सी फैमिली में रहते हैं नंबर की फैमिली में रहते हैं आई होप आप लोगों को यह बात क्लियर हो इज रैशनल नंबर एंड वॉट आर इशन बच्चे इनसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं थोड़ा प्रेशराइज कर रहा हूं यहां पे इसको समझाने के लिए ठीक है आप लोगों बच्चे इसके बाद फिर इंटीजर्स हैं इंटीजर्स हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए होल नंबर्स होल नंबर में हमारे जीरो भी आ गया वन भी आ गया टू भी आ गया थ्री आ गया फोर चलते चले जा रहे हैं Negative numbers में हमारे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर दीज आर इंटीजर्स आधे बेवकूफ बच्चे मुझे क्लास में ऐसे भी मिलते हैं कहते हैं सर फोर पॉइंट फाइव भी तो इंटीजर है बच्चे ये एक फ्रैक्शन है इंटीजर तो सिर्फ फोर और फाइव है फोर पॉइंट फाइव इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू ठीक है तो हमें पता होना चाहिए कि फोर पॉइंट फाइव एक डेसीमल वैल्यू है डेसिमल्स और इंटीजर्स अलग अलग हैं ठीक है डेसिमल और इंटीजर्स अलग अलग है ठीक है आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी फिर होल नंबर्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं नेचुरल नंबर्स जो वन से शुरू होते हैं जीरो को हम लोगों ने अलग छोड़ दिया तो ये पूरा नंबर ट्री एक एक नंबर्स के बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे इंटीजर्स क्या होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसीमल्स क्या होते हैं सो आई होप आपको ये समझ में आने लग रहा होगा कि हाँ यार यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ है ठीक है चलो इतनी बातें अगर आपको क्लियर हैं ठीक है ठीके? तो जैसे इरेशनल को मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा एक एग्जांपल और देता हूँ इरेशनल का जैसे ये ये वाली वैल्यूज है रूट कभी रूट टू को सॉल्व किया है रूट को हम पता क्या बोलते हैं टू का पावर वन बाई ये भी पता होना चाहिए ठीक है इसका जो वैल्यू आता है ना बच्चे वो आता है समथिंग कुछ इस तरह से आएगा अब इसका जो वैल्यू आता है ना ना तो वो होता है और वैल्यू आएगा ना तो वो होगा और ना ही वो रिपीट होगा डेट इज वायर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर इसलिए रूट टू हमारा इरेशनल नंबर है ठीक है जैसे मैंने यहां पर लिखा रूट थ्री रूट थ्री का वैल्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला जाता है वन पॉइंट सेवन थ्री टू बस इतना ही बोल देते हैं कि बच्चे इतना यूज कर लेना बट दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रूट थ्री दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ थ्री ये इससे आगे भी था ये इससे आगे भी था बट हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको इतने से काम चला लिया ठीक है ये इससे आगे भी था हमने अपने काम के लिए इतना वैल्यू ले लिया चलो ठीक है अपना काम निकालते हैं बात की बात भीड़ में ठीक है तो दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रूट थ्री ये इससे आगे भी था बच्चे तो इसीलिए रूट थ्री इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ इरेशनल नंबर फैमिली ये भी इरेशनल नंबर की फैमिली का नंबर है ठीक है क्योंकि जब रूट थ्री की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जाती है तो वो डेसिमल के बाद ना तो रिपीट होता है और ना ही टर्मी थ्री तो का जो डेमल रूट थ्री का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है कोई भी अगर आपसे पूछेगा अगर कभी भी कोई आपसे इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पूछता है तो आपके पास एक सीधा एग्जाम्पल होना सीधा बोलना चाहिए आपको जिनका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है ठीक है फिर वो, वो, वो उसको खुद ही नहीं पता होता वो क्या बोल रहा है तो एक सोफिस्टिकेटेड आंसर देना है कि हाँ भैया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर की जो कैटेगरी है वो डेफिनेशन भी यही होती है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन नॉन रिपीटिंग होता है वो हमारे इरेशन नंबर्स होते हैं ठीक है चलो ठीक है तो यहां पर इस सेशन में हम लोगों ने नंबर के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लिया कि नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं ठीक है थीके? अगले सेशन में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है